दोस्तों अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जो आज भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच में बेहद ही रोमांचक मुकाबला जो खेला गया ICC महिला विश्व कप का, उसी रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट जानने के लिए तो बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और साउथ अफ्रीका में से आपको कौन सी टीम ज्यादा दमदार लगती है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ICC महिला विश्व कप के मुकाबले अभी खेले जा रहे हैं, और ऐसे में भारतीय टीम ICC महिला विश्व कप में अब तक दमदार प्रदर्शन कर चुकी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज ऐसा ही दमदार प्रदर्शन हम सभी को भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों की तरफ से देखने के लिए मिला। दरअसल आज भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच में रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां आज भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मात्र 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के सामने बना डाले थे, और साउथ अफ्रीका महिला टीम को लक्ष्य मिला था 312 रनों का। हालांकि हम आपको बता दें कि आज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय महिला टीम की तरफ से उतनी थी स्मृति मांदना और शेफाली वर्मा, तो दोनों ही बल्लेबाजों ने आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। जैसे कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख पा रहे होंगे कि यहां स्मृति मांदना ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 72 गेंदों में 42 रन ठोक डाले, तो वहीं शेफाली वर्मा ने 74 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेली। और इन्हीं दोनों बल्लेबाजों की बदौलत आज भारतीय टीम को काफी अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। तो वहीं फिर मैदान पर उतनी दीप्ति शर्मा ने भी आज बेहतरीन खेल दिखाया। जी हां दोस्तों, यहां दीप्ति शर्मा ने 22 गेंदों में ही मात्र 24 रन ठोक डाले, और इसी के साथ भारतीय महिला टीम बढ़िया अपनी राह पर बढ़ चुकी थी। लेकिन यहां पर किसको क्या ही पता था कि अगले पल भारत को बड़े झटके अब लगने ही वाले हैं। दरअसल जब कप्तान मिताली राज मैदान पर उतरी तो उस दौरान दीप्ति शर्मा तो 24 रन बनाकर पवेलियन लौटी, तो वहीं मिताली राज का भी प्रदर्शन आज अच्छा नहीं रहा। दरअसल मिताली राज ने 21 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली, और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया। तो वहीं मिताली राज के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरी ऋचा घोष, जहां हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन यहां पर ऋचा घोष मात्र 10 गेंदों में 5 रन ही बनाकर पवेलियन लौटी, और यह भारत को पांचवा बड़ा सबसे झटका लग गया था। और वहीं ऋचा घोष के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी स्नेह राणा, और इससे पहले कि हरमनप्रीत कौर और स्नेह राणा के बीच में अच्छी साझेदारी हो पाती है, उससे पहले ही हरमनप्रीत कौर का भी विकेट गिर गया। जी हां दोस्तों, हरमनप्रीत कौर 77 गेंदों में 87 रन बनाकर आउट हुई, और उनको साउथ अफ्रीकाई महिला टीम की बेहतरीन गेंदबाज शानिम इस्माइल ने आउट करवाया। तो वहीं स्कोर के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरी पूजा वस्त्रकार, जहां इस दौरान इसने राणा ने 20 गेंदों में ही मात्र 42 रन ठोक डाले, और भारतीय टीम को 300 रनों के स्कोर से ऊपर लेकर गई। और वहीं आज भारतीय महिला टीम 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन बना पाने में कामयाब हो सकी, और साउथ अफ्रीका महिला टीम को लक्ष्य मिला 312 रनों का। तो फिर जब साउथ अफ्रीका महिला टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आई तो आज साउथ अफ्रीका की तरफ से लेजली ही और लॉरा वडवर्ड मैदान पर उतरी, जहां आज के इस मुकाबले में लेजली ही ने 44 गेंदों में 55 रन ठोक डाले, तो वहीं लॉरा वडवर्ड ने 10 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली। हालांकि यहां से मैच काफी ज्यादा साउथ अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ झुकता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि यहां पर साउथ अफ्रीकाई टीम के बल्लेबाज काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान लॉरा वडवर्ड के 15 रन के स्कोर पर आउट होने के बाद फिर साउथ अफ्रीका महिला टीम की तरफ से मैदान पर उतरी तस्मीन ब्रिट्स, जहां आज तस्मीन ब्रिट्स ने 88 गेंदों में 75 रन ठोक डाले। तो वहीं तस्मीन ब्रिट्स के आउट होने के बाद मैदान पर आई सुनील लस, जहां आज सुनील लस ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 105 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली, जैसा कि आप सब यहां पर देख भी पा रहे होंगे। तो वहीं फिर साउथ अफ्रीकाई महिला टीम की पारी को संभाला मेगनन डुफ्रीज ने, जहां मेगनन डुफ्रीज ने आज 20 गेंदों में 11 रन बनाए, तो वहीं मैरिजाने कैप ने आज 23 रनों की शानदार पारी खेली। और इसी के साथ भारतीय महिला टीम इस मुकाबले को लगातार जीत की तरफ बढ़ती चली गई, और आज के इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की तरफ से हम सभी को बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा तो देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन यहां पर अंतिम ओवर में जब साउथ अफ्रीका महिला टीम को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे, तो उस दौरान मैदान पर थे चॉय ट्रायन और त्रिशा चेट्टी, जहां आज के इस मुकाबले में ट्रायन ने मात्र 8 गेंदों में 20 रन बनाए, जैसे कि आप सभी यहां पर देख पा रहे, तो वहीं त्रिशा चेट्टी ने 2 गेंदों में 5 रन की पारी खेली, और इसी के साथ भारतीय महिला टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत मिली। तो ऐसे में भारत की जीत के बाद पूरा भारत देश उनके इस मुकाबले में प्रदर्शन को देखकर खुश है। तो वहीं हम आपको बता दें कि ये भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच ICC महिला विश्व कप 2022 का मुकाबला होने से पहले का एक वार्म अप मैच था, जो कि आज खेला गया, जहां भारतीय महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए इस मुकाबले को सुनिश्चित कर दिया कि अगर दोनों टीमों के बीच में मेन मुकाबला होगा तो कौन सी टीम जीतेगी। बाकी आप सभी क्या मानते हो कि सही मायने में कौन सी टीम विजेता है, भारत या फिर साउथ अफ्रीका? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए
आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जिसके आप सभी को पता है कि भारतीय महिला टीम लगातार दिन प्रतिदिन आईसीसी महिला विश्व कप के एक के बाद एक रोमांचक मुकाबलों में भाग ले रही है और भारत ने अब तक खेले गए मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर भी दिखाया है। तो वही हम आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि यहां पर भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अभी भी अपना पॉइंट टेबल में नाम तीसरे नंबर पर काबिज कर रखा है। तो ऐसे में इससे साफ ये हो जाता है कि सेमीफाइनल में भारत का पहुंचना लगभग तय ही माना जाएगा। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि आज भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां आज के इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकाई महिला टीम की कप्तान सुनील लस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी उतनी ज्यादा कुछ खास अच्छी रही नहीं, जिसकी हम सभी को उम्मीद थी, लेकिन यहां पर भारत के बल्लेबाजों ने जो प्रदर्शन कर दिखाया वो बेहद ही शानदार था। दरअसल हम आपको बता दें कि आज साउथ अफ्रीका महिला टीम की तरफ से जब लाइजले ली और लॉरा वॉल्वर्ट मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी थी, तो यहां पर ली ने आज 24 गेंदों में मात्र 19 रन ही बनाए, तो वहीं लॉरा वॉल्वर्ट ने आज के इस मुकाबले में 95 गेंदों में 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और एक बड़ा छक्का भी लगाया था, जैसे कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख पा रहे होंगे। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरी तस्मीन ब्रिट्स और सुनील लस। तस्मीन ब्रिट्स ने 48 गेंदों में ही मात्र 74 रन ठोक डाले और अपनी इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 9 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ सुनील लस ने 63 गेंदों में ही 102 रनों की पारी खेली। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, हम आपको बताएं कि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि मुश्किल में और इस मुकाबले को जीत पाना उनके लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी जिस प्रकार की रही वो काबिले तारीफ है और यहाँ पर मैग लैनिंग और एलिस पेरी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले तो शतकीय साझेदारी तो पूरी करी और उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाया, जिसके चलते आज का ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला टीम जीत पाने में कामयाब हो सकी। तो वहीं आज भारतीय महिला टीम की गेंदबाजी इतनी ज्यादा कुछ खास कारगर रही नहीं, जिसके चलते भारतीय टीम के गेंदबाजों को इस मुकाबले में अंतिम ओवर में जाकर हार का सामना भले ही करना पड़ा और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुल मिलाकर 8 विकेट से जीत परफेक्ट हुए 56 रन देकर 1 विकेट लिया। तो वहीं पूजा वस्त्रकार ने भी एक सफलता हासिल की। तो ऐसे में दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के आज के प्रदर्शन को देखने के बाद और आप भारतीय टीम के बल्लेबाजों को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे इस मुकाबले को देखने के बाद? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।